वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एंड आज की वीडियो की बात करें तो आज मैं आपके साथ सदर बाजार हॉल शेयर करने वाली। जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं सदर बाजार हॉल भी शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आपने अभी तक मेरी सदर बाजार व्लॉग नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए। उसमें मैंने सब कुछ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस बताए हैं। एंड इस वीडियो में भी मैं आपको क्वालिटी भी बताऊंगी एंड प्राइस भी, मैं कितने में लाई और कितनी क्वांटिटी में लाई। ओके एंड सॉरी गाइस, अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा तो मैंने बहुत कोशिश की है रोकने की, बट अगर थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते। तो पहली चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, या ये मेरी सिस्टर ने लिए, ये है पायल, या उन्हें मिली है 20 की। सही, ये लाइट वेट है, अच्छी है। एंड इसको अगर लोकल मार्केट हम कहीं देखेंगे तो ये हमें कम से कम 100 या 150 रुपये में मिलेगी, बट वहाँ पर हमें ये 20 की मिली है। एंड इससे लाइट वेट 10 रुपीज़ का था, जो थोड़ी सी प्लेन उसमें रहती है तो काफ़ी अच्छी है। या तो सेकंड हम दिखाएंगे लटकन आपको। ये है छोटी वाली लटकन है जो, हाँ ये छोटी वाली लटकन 10 रुपये की है, हमने दो ली है। ये 20 रुपीज़ की दो हो गई। एंड ये हैवी वाली है, ये जो 20 रुपीज़ की है, ये भी 20 की है। तो काफ़ी अच्छा प्राइस था लटकन का और काफ़ी हैवी है, वे भी 20 रुपीज़ में मिलती थी। तो लटकन अच्छी है वहाँ की। एंड आप अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आपको थोड़ा प्राइस में और फ़र्क मिलेगा। नेक्स्ट हमने ली है नेम पेंट, जो हमने लिए है 36 एंड 60 की 12 दे रहे थे वो भैया, बट हमने 6 ही लिए क्योंकि हम ज़्यादा लगाते नहीं हैं कोई भी। तो 3 मेरी सिस्टर ने ले ली, 3 मैंने लिए। मैं भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बट मैंने शौक में ले लिए ऐसी। तो ये वाला पिंक कलर एंड पाउडर ब्लू एंड वाइट में लिया मैंने एक। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी नेल पेंट ऐसी होती है कि जल्दी से निकल जाती है हाथों से, अगर हम पानी में या किसी चीज़ में काम करते तो हाथों से निकल जाती, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने एक बार यूज़ कर ली है तो नहीं निकल रही है, पक्की है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे, या ये है क्लेचर का पैकेट। इसमें से हमने 4-5 शैक निकाल लिए हैं। तो ये हमें पड़ा है 20 का। इसमें 12 क्लेचर्स थे, 2 सेम कलर के थे, 2-2 सेम कलर के हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ एक क्लेचर अगर हम कहीं पूछते अपने मार्केट में तो एक क्लेचर 10 रुपये का आता है यहाँ पर। तो अगर गाइस हम ऐसी कॉस्मेटिक की छोटी छोटी चीज़ें ले लें, काफ़ी अच्छा प्राइस है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है काफ़ी चीज़ों की। नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर हमने ली है नेक चेन, जो हमें मिली है 60 की 12 बोल रहे थे वो भैया, पर हमने 30 की 6 ही ली है। ऐसे होता है कि बहुत से शॉप वाले हमें सिंगल पीस या 6 या 12 से कम देते ही नहीं है, बट वहाँ पर कुछ कुछ थे जो दे रहे थे और बहुत से लोग थे जो नहीं दे रहे थे, बट इन्होंने दे दी थी। आपको दिख रही होगी आई होप, इसका पैंडल काफ़ी क्यूट है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादा लॉन्ग चेन नहीं है, छोटी सी है, यहाँ तक आएगी आपके। मुझे बहुत पसंद आई, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। एक ये भी है, एक ये भी है, एंड एक दो और है जो मेरी सिस्टर के पास है, वो मैं दिखा नहीं सकती आपको। इसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन है क्योंकि क्या वो ही समझ लो, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं पहन सकते हो आप, वन टाइम यूज़ एंड थ्रो वाले सीन है। दिखाती हूँ मैं आपको क्यों। सी मैंने ये वाला एक टाइम पहना है, एक टाइम भी क्या, एक घंटा भी नहीं पहना है, और ये इसका कलर जा चुका है बिल्कुल बिल्कुल। इसमें महाकाल लिखा हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया था, बट कोई नहीं, चेन तो मैं दूसरी यूज़ कर लूँगी। इसका पैंडल बहुत अच्छा है, पैंडल की वजह से ही मैंने सारी चीज़ें ली है, ये चेन ली है। तो इसकी थोड़ी सी क्वालिटी डाउन है, तो मैं
कहूँगी। अगर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इसकी क्वालिटी, बिकॉज़ अगर आप चाहते हो तो आप कोई ऐसी चीज़ ना लेके आओ जिसको आपको बाद में वो हो कि हाँ यार ये तो ख़राब निकल गया ये वो। तो इसकी क्वालिटी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी थोड़ा पता चले कि किसकी क्वालिटी कैसी है। तो कैसी है, ज़्यादा मेरे को वो नहीं लगा, मेरे को पसंद नहीं आई ये। नेक्स्ट है सी, ये बहुत प्यारी झुमकी है, वन ऑफ माय फेवरेट सी। अगर देख रहा है बहुत प्यारे झुमके, वाइट एंड गोल्ड इसका साइड पैटर्न है और वाइट है पूरा, और मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे छोटी वाली झुमके, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे ख्याल से दिवाली के काम आ जाएंगे। ये सिर्फ मेरे को 20 रुपीज़ में मिले, एंड अगर दूसरी मार्केटों में पूछूंगी मैं तो ये कम से कम 50 to 100 के बीच में मिलेगा मुझे। तो काफ़ी अच्छा मिला मेरे को 20 में ये सी, और काफ़ी लाइट वेट भी है, ना ज़्यादा हैवी है, ना काफ़ी प्यारे हैं सी, अच्छे लग रहे हैं ना। ओके, तो नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट हमने लिया ये हैंड पर्स, ये मिले हमें 60 के, काफ़ी ठीक है, अच्छे हैं। अगर ऐसी हम एसन में पूछते हैं तो हमें 100 या 150 के मिलते हैं, बिकॉज़ मैंने भी लिया है तो मेरे को 150 का मिला है। तो ये हमें 60 के मिले, हमने ये दो लिए थे, एक ग्रे कलर में है और एक ये पाउडर ब्लू कलर है। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी निकली। तो गाइस आपको ये देख के ही लेना है ये सब चीज़ें, अगर आप जाते हो तो क्या आपकी सामान कैसा है। नेक्स्ट है बैंगल्स, जो 20 के हैं, ये कांच के बैंगल्स हैं, ये हमने अपनी मम्मी के लिए लिए हैं। तो अच्छा है, आपको दिख भी रहा है कि नहीं है, बट ये बहुत अच्छा है। एक सेकंड मैं पहन के दिखा देती हूँ सी, लेडीज़ है थोड़ा बट यह अच्छा है बहुत, ये एक नज़र में ही हमें पसंद आ गया था वहाँ। ये हमें सिर्फ 20 का पड़ा है, 4 है इसमें। ऐसे काफ़ी सारे बैंगल्स हैं जो हमें इससे भी लो मतलब लो प्राइस में है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक और हमने लिया है, इसमें हमने ये 4 पैकेट लिए थे, ये 10 रुपीज़ के हैं, इसमें भी 4 हैं। सॉरी, इसमें भी 4 पीस है एंड ये 10 रुपीज़ के। इसमें हमने अलग अलग कलर लिया है, येलो ब्लू, एक मल्टी कलर में है, आई थिंक एक रेड भी है। ये 10 रुपये के, ये थोड़े से लाइट वेट है एंड क्वालिटी में को लगता नहीं कि ज़्यादा टाइम तक चलेगी इसकी। सो नेक्स्ट है ये फ्लावर पॉट जो हमने लिए हैं, ये सबसे अच्छा निकला हमारा। ये हमने लिए 100 के 6 एंड हमने 3 ग्रीन 3 पर्पल लिए हैं, 3 अलग पड़े हैं कहीं पर तो मैंने वीडियो के लिए निकाले बस। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, छोटा साइज़ है, बहुत क्यूट सा है, कहीं भी डेकोर करने के काम आ जाएगा आपका साइड में या कहीं भी। तो ये बहुत अच्छा है, लाइट वेट भी है इनका और काफ़ी अच्छे निकलेंगे। तो ये हो गए। नेक्स्ट है मैंने एक मैट लिपस्टिक ली है जो मुझे पड़ी है 60 रुपीज़ की, एंड वहाँ पर 50 के 2 भी दे रहे थे बट मेरे को वो क्वालिटी में थोड़े सही नहीं लगे, मेरे को यूज़ करना सही नहीं लगा। तो ये भैया और सिंगल नहीं दे रहे थे बट ठीक है मान गए थे, फिर उन्होंने सिंगल दे दी थी हमें 60 की एक, एंड वो पूरा पैक था। तो वो कितने का बोल रहे थे, 350 का आई थिंक पूरा पैकेट बोल रहे थे, उसमें 12 थी। एंड ये वाली मैं आपको कलर दिखाती हूँ उसका सी, ब्राउनिश कलर है, पता नहीं कैमरे में सही लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, कहाँ सॉरी ये। तो काफ़ी अच्छा कलर है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा आपके कम से कम। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कलर, ये सिर्फ हमें 60 की मिली है वहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हो गई है, बहुत सारी ली हमने। नेक्स्ट लिया है हमने ये रिंग, ये मैंने अपने लिए ली है सी, कितनी क्यूट है ना।
और ये हमें सिर्फ मिली है 20 रुपीज़ में, और बहुत प्यारी लगी मुझे, एक बार में पसंद आ गई, मैं और ले रही थी बट नहीं ले पाई। तो ये बहुत प्यारी है, ब्लैक कलर की है, तो ये मुझे चाहिए थी ऐसी रिंग, थोड़ी सी हैवी, कभी हम किसी पार्टी वार्टी में जाते तो उसमें अच्छी लगती है। तो या ये सिर्फ 20 रुपीज़ में मिली, और सिंगल पीस, बहुत कम लोग थे जो सिंगल पीस दे रहे थे रिंग का, वहाँ नहीं तो डिब्बे डब्बे मिल रहे थे। अगर आपको डब्बों का प्राइस जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको सब बता रखा है। तो ये मुझे 20 की पड़ी है। नेक्स्ट है, हमने लिया है बैग पर्स, तो ये है पर्स, तो ये हमें मिला है 150 का। ये काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया है, क्योंकि मैंने ये ऐसी बैग एसएन में पूछे थे जो 350 रुपये के, 400-500 रुपये के, और इसका लेदर भी बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट लेदर है, ऐसे मोड़ के भी देख कुछ नहीं हो रहा, और बहुत प्यारा है। इसमें काफ़ी सारी चेनें भी है, काफ़ी सारे सी, एक ये छोटी है आगे फ्रंट में, इसमें फॉरएवर यंग भी लिखा है। ये मेरे को एक बार में पसंद आ गया था जैसी, बिकॉज अगर आप कॉलेज वाले जाते हो या ऑफिस भी जाते हो तो वहाँ के लिए हमें अगर टिफिन विफिन ले जाना होता तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, पार्टीशन बहुत है, दो पार्टीशन अंदर इस साइड में है और एक पार्टीशन बाहर भी है, अंदर एक चेन छोटी चेन ना होती है वो भी है। तो ये देख सकते हो कितना स्पेस है इसमें, मैं चाहूँ तो इसमें तो अपने कपड़े भी ले जा सकती हूँ। तो देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा लगा ये मुझे। एंड है, अब मुझे बैग के बहुत शौक है, मुझे बैग का कलेक्शन करना भी बहुत पसंद है। तो ये हमें 150 का पड़ा है, और इसमें एक और लिया हमने, ये मेरी सिस्टर ने लिया, ये भी हमें 150 का पड़ा है, इसमें भी दो पार्टीशन है, इसमें ये भी बड़ा साइज़ है, ये भी सेम साइज़ में है। एक और है, ये देख सकते, तो इसमें भी दो पार्टीशन है ऐसे, और ये बाहर से ऐसे दिखता है कुछ। तो ये हमें दोनों पड़े हैं 300 रुपये में, और 300 रुपये में कहीं कोई बैग नहीं आता है, वो भी एक बैग भी 300 रुपये में अच्छा नहीं आता है। तो सदर बाज़ार में मेरे को बैग के, रिंग के, और थोड़ा डेकोर का सामान बहुत अच्छा लगा है, और ज्वेलरी कह सकते हो आप, ज्वेलरी काफ़ी अच्छी है सदर में, एंड डेकोर और बैग, ये तीन चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी अगर कपड़ों की बात करें तो कपड़े बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है ये टेबल, क्या कहेंगे थे, टेबल में बिछाने वाला कोई कपड़ा, हाँ सी, ये वाला नेट का है, ये हमें पड़ा कितने का, 50 रुपीज़ का, हाँ 50 रुपीज़ का है। बट वो ये है गाइस, अगर आप देख के नहीं लोगे तो आपके लिए नुकसान है, बिकॉज ये भी थोड़ा सा साइड से कहीं से फटा निकल गया, तो हमारे 50 रुपीज़ वेस्ट चले गए। तो गाइस अगर आपको लेना है तो चीज़ें देख के ले, वहाँ अगर कोई कपड़ों की चीज़ कपड़े लेते हो तो वहाँ पर देख के ले, क्योंकि भीड़ भी बहुत होती है और जल्दीबाजी में इतना देखा नहीं जाता, तो प्लीज़ देख के ले। नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे आपको, हम क्यों बोल रही हूँ, मैं दिखाऊँगी। नेक्स्ट है ये लटकाने वाला, क्या बोलूँगी इसे, झूमर टाइप कुछ लटकाने वाला जो दिवाली में काम आता है, तो ये हमें सिर्फ मिला 100 रुपीज़ में। तो डेकोर के सामान वहाँ बहुत सस्ता है, तो अगर आप फेस्टिवल के लिए शॉपिंग करना चाहते हो तो वहाँ जाके कर सकते हो, पर अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लाना है तो, बिकॉज एक के लिए जाना तो वहाँ वेस्ट है। ये सिर्फ 100 में मिला, काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा ना एक दो यहाँ से निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों निकल रहे हैं, बाकी ओवरऑल अच्छा है, मुझे ये पसंद आ गया था, बट ये नहीं पता था ये निकल जाएगा इतनी जल्दी से, क्या पता लाते लाते वो हो गया, हो गए इधर उधर, कोई बात नहीं, इसे तो हम लगा लेंगे। एंड नेक्स्ट
कुछ नहीं। हाँ एक चीज़ और रह गई है, बैंगल्स हमने लिए हैं, जो ये सेम बैंगल है गाइस, वो ब्लू वाले जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले, उनके साथ के लिए। अब मैं उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरी बहन बैठी हुई है। तो ये सेम बैंगल है, ये येलो कलर में, ये ब्लू कलर में है और एक मल्टी कलर में भी है। और ये वाले बैंगल्स लिए थे हमने 60 के, ये 8 दिए थे। ये पूरा बॉक्स था जिसमें से 4 मेरी दूसरी सिस्टर ने ले लिए, 4 मेरी एक सिस्टर ने ले लिए। तो ये 4 ये हैं, ये काफ़ी प्यारे हैं, नग वाले हैं। तो ये आजकल थोड़ा ट्रेंडी भी है, चल रहे हैं आजकल, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। ये आपको 60 रुपीज़ में मिल रहे हैं 8 बैंगल, तो काफ़ी अच्छा है। तो एंड लास्ट चीज़ है जो सबसे बड़ी है, वो है ये बैग। ये बैग देख सकते हैं, हाँ हम इसी में सामान लेके आए थे, इसमें कुछ है, क्या है, अच्छा ये रखा हुआ है कुछ सामान। तो ये बहुत बड़ा साइज़ है, बिग साइज़ बैग है एंड काफ़ी अच्छा है। अभी तक तो मेरे को काफ़ी सही लगा, अगर हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो वहाँ के लिए काफ़ी सामान आ सकता है इस बैग के अंदर। तो ये हमें मिला है 100 रुपीज़ में, और 100 में कहीं इतना बड़ा बैग नहीं मिल सकता है। तो ये कपड़ा थोड़ा वैसा है, कड़क सा, पर ठीक है, अगर एक दो बार भी चल जाता है तो 100 में काफ़ी ठीक है। अगर एक दो बार हम कहीं चले जाते हैं और वहाँ इतना सामान आ जाता है एक बैग में, तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस बस इतना ही था और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये हॉल अच्छा लगा हो और आपके काम के लिए हो। तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते, मुझे पता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कुछ नहीं करना, बस एक रेड बटन प्रेस करना है एंड वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।